अब बात करते हैं नेक्स्ट कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अल्टीमेटली है क्या। यहाँ से हमारा जो दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का वो शुरू होता है। अभी तक हमने पढ़ा लाइट के बारे में, पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन क्या हैं, अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर रिफ्लेक्शन क्या है और रिफ्रैक्शन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। तो बात बहुत सीधी सी है कि जब भी हम लाइट को किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर गिराते हैं, क्या करते हैं, लाइट को किसी स्मूथ सरफेस के ऊपर गिराते हैं तो लाइट उस स्मूथ सरफेस से टकरा करके वापस लौट जाती है। क्या करती है, लाइट स्मूथ सरफेस से टकरा करके वापस लौट जाती है। तो इस वापस लौट जाने के फिनोमेना को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जरा डेफिनेशन को देखेंगे कि सेंडिंग बैक ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट बैक, क्या सेंडिंग बैक, बाउंस बैक ऑफ लाइट, क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा। तो यहाँ पर जरा आप देखिएगा कि ये लाइट आ रही है, इस पर्टिकुलर सरफेस से टकरा कर वापस जा रही है, आई वापस चली गई, तो क्या हो गया, सेंडिंग बैक ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्ट बैक ऑफ लाइट, सब एक ही चीज़ें। तो क्या बोलेंगे, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट या फिर सेंडिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एनी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे बात करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर टर्म्स की मैं बात करूंगा, टर्मिनोलॉजीज जो यूज की जाती हैं रिफ्लेक्शन के दौरान। तो देखेंगे जरा, सबसे पहले मैंने बोला कि भाई ये लाइट आ रही है, ये लाइट जा रही है, आने वाली लाइट को आप नाम दे रहे हो तो क्या, इंसिडेंट रे। आने वाली लाइट को आप क्या नाम दे रहे हो तो हो, इंसिडेंट रे, और जाने वाली लाइट को आप नाम दे रहे हो तो हो, रिफ्लेक्टेड रे। जिस पॉइंट पर लाइट आती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पॉइंट पर लाइट आती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये आपकी स्मूथ सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर मैं एक लाइट ड्रॉ करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन को हम नाम देते हैं क्या, नॉर्मल। क्या बोला मैंने, कि सिंपल सी बात है कि भाई जो लाइट आ रही है उसको आप नाम दे रहे हो तो क्या, इंसिडेंट रे, जो टकराकर वापस जाती है उसको आप नाम देते हो, रिफ्लेक्टेड रे, जिस पॉइंट पर लाइट आती है उस पॉइंट को आप नाम देते हो क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये स्मूथ सरफेस थी, स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की है, उस परपेंडिकुलर को हम नाम देते हैं नॉर्मल। तो याद रखें फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब नॉर्मल नहीं है, फिजिक्स में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता भाई, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ये होता है फिजिक्स की लैंग्वेज में, नॉर्मल का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मेरे पास में एक स्मूथ सरफेस हो गई, ओके, ये लाइट आ रही है, आने वाली लाइट को मैं क्या नाम दे रहा होता हूँ, इंसिडेंट लाइट रे, जिस पॉइंट पर ये लाइट आती है उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, लौट के जाने वाली लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर इस स्मूथ सरफेस के परपेंडिकुलर मैं क्या करता हूँ, एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, नॉर्मल। क्या बोलते हैं इसको, नॉर्मल। आने वाली लाइट यानी इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो भी एंगल बना रही होगी उसे हम बोलेंगे आई, आई मतलब होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। जाने वाली लाइट यानी रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इतनी बात ओके। तो कहने का मतलब कुछ टर्म्स मैंने यहाँ पर आपको बताई, इन टर्म्स को आप दिमाग में बिल्कुल बिठा करके रखेंगे कि क्या होगा। चलिए वंस अगेन देखते हैं, आने वाली लाइट इंसिडेंट, जाने वाली रिफ्लेक्टेड, एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। द रे ऑफ लाइट जो आपकी जो स्मूथ सरफेस उसके ऊपर आ रही है उसको आप नाम देते हो क्या, इंसिडेंट रे। तो द रे ऑफ लाइट विच फॉल्स ऑन द पॉलिश्ड सरफेस यानी स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। दूसरा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट आती है उसे आप नाम दे रहे होते हो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो अ पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस और स्मूथ सरफेस एट विच रे ऑफ लाइट फॉल्स इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर लाइट आती है उसको आप नाम देते हो क्या, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद तीसरी बात करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर लाइट आने के बाद टकरा के वापस जाएगी, तो लौट के जाने वाली लाइट क्या कही जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे। तो द रे ऑफ लाइट विच गेट्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ पॉलिश्ड सरफेस और द मिरर इज कॉल्ड द रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। ठीक है, इन सभी को बहुत सिंपल से शब्दों में मैं यहाँ एक बार बता देता हूँ कि भाई ये मेरे पास में हो गई रिफ्लेक्टिंग सरफेस या फिर स्मूथ सरफेस या पॉलिश्ड सरफेस, कुछ भी आप नाम दे सकते हो। ये हो गई इंसिडेंट रे, जिस पॉइंट पे आ रही है उसे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। ये तीन टर्म्स मैंने यहाँ पर यूज़ करे, तीनों को हमने इस डायग्राम से समझ लिया।
इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इतनी बात क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। तो इसी डायग्राम के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है नॉर्मल। तो नॉर्मल अल्टीमेटली क्या होता है, नॉर्मल के डेफिनेशन देखेंगे। नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर। ये मेरे पास में क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं एंड दिस लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। इस लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। चलिए अगली बात करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है वही होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। और इसको मैं आई से डिनोट करता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं डिनोट करता हूँ किससे, आई से। तो जरा यहाँ पर देखेंगे इसी बात को, देखते हैं भाई, ये आने वाली रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज आई। सिमिलरली रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे बोलते हैं आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन को भी मैं यहाँ देख लेता हूँ। तो ये डेफिनेशन मेरे पास हो जाएगी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय आर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आप आर से डिनोट कर रहे होते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर हो गई है। नेक्स्ट अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट का जो रिफ्लेक्शन होता है उसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो लाइट का रिफ्लेक्शन मेरे पास में होता है जनरली टू टाइप्स का। पहला जो टाइप होता है रिफ्लेक्शन का उसको हम बोलते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर। क्या क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर स्पेक्युलर। दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या फिर हम बोल सकते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या, इरेगुलर या फिर डिफ्यूज्ड। तो दो तरीके के रिफ्लेक्शन मेरे पास होता है, पहला होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। रेगुलर का दूसरा नाम क्या है, स्पेक्युलर, और जो इरेगुलर उसका दूसरा नाम क्या होता है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं एक एक करके कि ये क्या होते हैं। तो इन दोनों को हम यहाँ पर एक एक करके पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन होता क्या है, जब भी कभी लाइट किसी स्मूथ बहुत चिकनी सरफेस से टकराती है, लाइट किसी भी स्मूथ सरफेस यानी चिकनी सरफेस से टकराती है तो उसका जो रिफ्लेक्शन होता है वो कौन सा होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। लाइक यहाँ पर देखें आप, ये लाइट आ रही है पैरेलल और ये जिस सरफेस पर टकरा रही है वो कैसी है, स्मूथ सरफेस है। तो लौट के जाने वाली लाइट भी कैसी है, पैरेलल है। हमेशा याद रखें पैरेलल इन तो पैरेलल आउट होता है, यानी कि आ रही है पैरेलल तो जाने वाली भी कैसी होंगी, पैरेलल। ये हमेशा होता है कहाँ पर, रेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर। इस बात को याद रखेंगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, पैरेलल लाइट अगर आती है तो लौट के जाने वाली लाइट होती है वो भी कैसी होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, पैरेलल आ रही है, पैरेलल जा रही है। इसी वजह से हम बात करते हैं कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में मैं चीज़ों की पिक्चर्स देख पाता हूँ, फोटो देख पाता हूँ। कहने का मतलब क्या होता है कि हमारे घर में जो शीशे होते हैं जिनके अंदर हम अपनी शक्ल देखते हैं, ठीक है, या फिर टाइल्स होती हैं जिनके अंदर हम अपने आप को देख पाते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत स्मूथ होती है, बहुत ही क्या होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती हैं। इनमें दिस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है। जिस भी जगह पर रेगुलर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा उस जगह पर भाई आप अपनी फोटोज देख पाओगे। फोटोज से मतलब कि अपनी खुद की इमेज देख पाओगे, फोटो देख पाओगे, ठीक है, पिक्चर्स देख पाओगे। जैसे हम शीशे में अपने आप को देख पाते हैं वही देखना पॉसिबल होता है जब इस तरीके का रिफ्लेक्शन होता है। किसी भी चिकनी सरफेस पर आप देखोगे तो इस तरीके का रिफ्लेक्शन होगा, उसमें आप अपनी खुद की झलक आसानी से ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा अगला जो टॉपिक है जिसको हम बोलेंगे इररेगुलर रिफ्लेक्शन यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इररेगुलर यानी कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये क्या होता है, इररेगुलर में हमेशा रिफ्लेक्शन टेक प्लेस होता है किसी रफ सरफेस से। कहाँ से टेक प्लेस होता है, किसी रफ सरफेस से। तो ये आपके पास में क्या है, एक रफ सरफेस है। अब इसमें रफ सरफेस में क्या होता है, आने वाली लाइट पैरेलल है। क्या बोल रहा हूँ, आने वाली लाइट पैरेलल है लेकिन लौट के जाने वाली लाइट पैरेलल नहीं है। कितनी भी कोशिश करेंगे रफ सरफेस से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा है तो आने वाली भले ही कितनी भी पैरेलल बनी रहे लेकिन जाने वाली कभी भी पैरेलल नहीं हो सकती। ठीक है, तो मैंने बोला भाई पैरेलल लाइट आ रही है लेकिन जाने वाली लाइट कभी भी पैरेलल होने का चांस नहीं है। ठीक है, तो ये होता है किसके अंदर, इररेगुलर रिफ्लेक्शन के अंदर, यानी किसी भी रफ सरफेस के अंदर आप अपनी खुद की पिक्चर को, अपनी खुद की फोटो को कभी भी नहीं देख पाओगे। इतनी बात क्लियर। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इररेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन आपको खुद की छवि, आपकी खुद की इमेज देखने में मदद करता है, लेकिन
इररेगुलर रिफ्लेक्शन में आप चाहकर भी अपने खुद की इमेज नहीं देख सकते। एक दीवार के अंदर क्या आप अपने आप को देख सकते हो? क्योंकि वो रफ होता है, इसलिए वहां पर होने वाला रिफ्लेक्शन इस तरीके का है। आप अपने आप को केवल तभी देख सकते हो जब रिफ्लेक्टेड यानी लौट के जाने वाली लाइट्स कैसी हैं, पैरेलल है। कैसी हैं? पैरेलल है। तो पैरेलल जाना केवल और केवल पॉसिबल होता है जब ये जो सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ है, ना कि रफ है। तो रफ सरफेस से होने वाले रिफ्लेक्शन में आप कभी भी अपने आप को नहीं देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करता हूं जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या है भाई? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉ होते हैं, नियम होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लॉज क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये क्या बोलता है कि भाई जो लाइट आती है और जो लाइट जाती है और जो नॉर्मल होता है, क्या बोला मैंने, आने वाली लाइट, जाने वाली लाइट और नॉर्मल। बात समझ में आ रही है? आने वाली लाइट, जाने वाली लाइट और जो नॉर्मल होता है, ये तीनों एक सिंगल प्लेन में लाई करते हैं। कहाँ लाई करते हैं? एक सिंगल प्लेन में लाई करते हैं। जरा बात को समझने की कोशिश करेंगे कि ये लाइट आ रही है, ये लाइट जा रही है और ये हो गया नॉर्मल। ये तीनों ही एक सिंगल प्लेन के अंदर लाई करते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि लाइट आएगी ऐसे जाएगी, लाइट आएगी ऐसे जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा रिफ्लेक्शन में कि लाइट आए ऐसे रही है और जाए ऐसे रही है। बात समझ पा रहे हो? लाइट आएगी तो ऐसे ही जाएगी। लाइट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऐसे आकर के ऐसे चलेगी या ऐसे आकर के ऐसे चलेगी। लाइट एक सिंगल प्लेन में रिफ्लेक्शन टेक प्लेस कराती है। बात समझ पा रहे हैं? तो आने वाली, जाने वाली और नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में लाए कर रहे होते हैं। ये होता है पहला लॉ, फर्स्ट लॉ। अब बात करेंगे सेकंड लॉ की। सेकंड लॉ बहुत ही सिंपल सा है। ये क्या बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये जो आई है और ये जो आर है वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो जरा देखते हैं, अगर मैंने बात किया यहाँ पर कि आने वाली जो लाइट है उसका एंगल मैं बढ़ा देता हूँ, मान लेते हैं आने वाली लाइट का एंगल मैंने बढ़ा करके ये कर दिया, तो भाई जाने वाली जो लाइट है ना उसका एंगल भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसका एंगल भी बढ़ करके ये हो जाएगा, यानी आई बढ़ाओगे तो आर भी बढ़ेगा। सिमिलरली अगर आप आई की वैल्यू कम कर देते हो तो भाई आर की वैल्यू भी कम हो जाती है। आई और आर दोनों क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड लॉ के बाद, लेटरल इन्वर्जन की। लेटरल इन्वर्जन अल्टीमेटली क्या है? लेटरल इन्वर्जन का मतलब होता है, लेटरल मतलब होता है साइड, इन्वर्जन मतलब होता है पलट जाना। जब भी कभी साइड्स पलटती हैं उसको ही हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। बात सिंपल सी क्या हो गई कि भाई मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट होता है, वो ऑब्जेक्ट अगर फ्लिप हो जाए, जैसे मान के चलो कि मैं ये खड़ा हूँ, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है। अब सामने मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पर मिरर लगा रखा है। क्या लगा रखा है? मिरर लगा रखा है। तो अब क्या होगा, मिरर के अंदर जो मेरी इमेज बनेगी वो इमेज कुछ इस तरीके की बनेगी, ठीक है। यानी कि मेरा जो राइट है वो पहले यहाँ हुआ करता था, मेरा जो लेफ्ट है वो पहले यहाँ हुआ करता था। तो अल्टीमेटली जो भी ऑब्जेक्ट था वो वाई एक्सिस के अलोंग, समझ पा रहे हो ना, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाता है, 180 से फ्लिप हो जाता है। क्या बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट है उसके सामने ये मिरर रखा हुआ है, यानी वाई एक्सिस पे मिरर रखा हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट है वो वाई एक्सिस यानी मिरर के अंदर जब हम देखते हैं तो इस तरीके से फ्लिप हो चुका होता है। यानी कि राइट बिकम्स लेफ्ट और लेफ्ट बिकम्स राइट, यानी कि ऑब्जेक्ट का जो राइट होता है वो इमेज का लेफ्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट होता है वो इमेज का राइट बन जाता है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? चलिए जरा यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, जब भी ऑब्जेक्ट को किसी प्लेन मिरर के सामने रखोगे देन राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बिकम लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वाइस वर्सा। सिंपल सी बात कि भाई ऑब्जेक्ट है उसकी सीधी साइड बन जाती है उल्टी और उल्टी साइड बन जाती है सीधी। सिंपल, ओके। चलिए आगे बात करते हैं। ये मेरे पास में एक ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के सामने मैंने क्या करा, एक मिरर रखा हुआ है जो क्या है, वाई एक्सिस में रखा हुआ है। अब क्या समझते हो भाई, इसकी जो इमेज बनेगी वो कुछ इस तरीके की बन रही होगी, ठीक है। अब देखो क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ पर हुआ क्या है कि ये ऑब्जेक्ट की राइट साइड है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट की राइट साइड है, ठीक है। तो वो बन गई ऑब्जेक्ट की लेफ्ट साइड, इमेज की लेफ्ट साइड। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ कि ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट है
वो इमेज का क्या बन जाएगा, राइट बन जाएगा। बस इसी को तो बोलते हैं साइड्स का पलट जाना ही कहा जाता है लेटरल इन्वर्जन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ इसमें है ही नहीं, बस ऑब्जेक्ट का जो राइट है इमेज का लेफ्ट बन गया, ऑब्जेक्ट का लेफ्ट इमेज का राइट बन गया। बस जिस तरीके की फ्लिपिंग, कन्वर्जन, पलट जाना ही क्या कहा जाता है आपका, लेटरल इन्वर्जन कहा जाता है। अब लेटरल इन्वर्जन का एक रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि ये एक एम्बुलेंस है। एम्बुलेंस के ऊपर हमेशा एम्बुलेंस क्या होता है, उल्टे शब्दों में लिखा होता है, यानी कि ऐसा लिखा होता है जैसा मिरर के अंदर वो देखने वाला होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों लिखा होता है, उल्टा क्यों लिखा होता है, ये जो लिखा हुआ वो कैसा है, लेटरली इन्वर्टेड है। कैसा है, लेटरली इन्वर्टेड है। अब इसके पीछे भी एक कारण होता है। कारण क्या है कि ये जो आपके पास एम्बुलेंस होती है इसको होती बहुत जल्दी, एम्बुलेंस के अंदर जो बंदा है उसको क्या, हॉस्पिटल जाने की बहुत जल्दी है, एम्बुलेंस वाले को हॉस्पिटल ले जाने की बहुत जल्दी है। ठीक है, अगर इसको जल्दी नहीं होगी तो फिर जल्दी किसको होगी, आप ट्रैफिक में हो क्या, आपको जल्दी है, आपसे जल्दी इसको है, क्योंकि ये अगर टाइम पर नहीं पहुंचा तो ये चला जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको पहले निकलने दो, कहाँ जाने दो उसको, हॉस्पिटल जाने दो पहले। तो अब आगे जो ट्रैफिक है वो ट्रैफिक क्लियर कैसे किया जाए। अब आप तो भाई गाड़ी के अंदर बैठे हुए हो, कार के अंदर बैठे हुए हो, आप बढ़िया म्यूजिक चला रहे हो, ठीक है, अब ग्लासेस बंद है, अब ये कितना भी पीछे सायरन मार रहा हो, कितना भी हॉर्न मार रहा हो, कितना भी चिल्ला रहा हो, क्या आपको सुनाई दे रहा है, नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन आपकी आंखें तो खुली है ना, आप ड्राइव करो तो आपकी आंखें तो खुली है। तो आपकी जो कार होती है उस कार में ऊपर एक बैक मिरर लगा होता है, बाकी साइड विंग मिरर्स लगे होते हैं। तो इन मिरर्स में जब आप पीछे देखते हो तो जो एम्बुलेंस है ये मिरर के अंदर क्या होता है, दोबारा से लिटरली इन्वर्ट होकर के दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, लिटरली इन्वर्ट होकर के दिखाई देता है। तो एम्बुलेंस आपको कैसा दिखाई देगा, कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा, अपने कांच के अंदर जो गाड़ी का कांच है उसके अंदर इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा, और आपको पता चल जाएगा कि भाई पीछे मेरे एम्बुलेंस आ रही है, ताकि आप आसानी से इस बात को समझ जाओगे भाई उसको रास्ता देना है, ट्रैफिक उसके लिए क्लियर करा जाए, ओके, क्योंकि उसको जल्दी है, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये यूटिलिटी है हमारी डेली लाइफ, यानी हमारे जो रियल लाइफ होती है उसमें हम इसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसका, लेटरल इन्वर्जन।